अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हाला एंड आई एम लेक्चरर एट किंग्सवे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एलाइड हेल्थ साइंस। तो आज हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनल रूट, पेरेंटल रूट, इनहेलेशन, टॉपिकल एंड ट्रांसडर्मल। इंटरनल रूट को फर्दर हमने थ्री में डिवाइड किया है, ओरल, सबलिंगुअल एंड रिएक्टल। इस तरह पेरेंटल भी थ्री टाइप्स में डिवाइड हुआ है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस एंड सबक्यूटेनियस। थर्ड है इनहेलेशन एंड फोर्थ वन है ट्रांसडर्मल। तो स्टार्ट हम इंटरनल रूट से करेंगे और फर्स्ट हम ओरल रूट पढ़ेंगे। ओरल रूट मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच द ड्रग इज गिवन थ्रू माउथ। एग्जाम्पल्स टैबलेट, कैप्सूल, सीरप। कॉमन मेथड है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें हम ड्रग माउथ के थ्रू लेते हैं। इसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। मोस्ट कन्वीनियंट एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल रूट, इजी मेथड है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यूज फॉर लोकल एज वेल एज सिस्टमेटिक एक्शन ऑफ ड्रग। लोकल और सिस्टमेटिक एक्शन दोनों के लिए यूज होता है। डिसएडवांटेज इरिटेशन ऑफ म्यूकोसल सरफेस। इस तरह होता है, अगर हम ओरल रूट पे ड्रग ज़्यादा ले रहे हैं तो मेजॉरिटी ये प्रॉब्लम आती है कि मतलब माउथ अल्सर हो जाता है, म्यूकोसल सरफेस में इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज डिले, नॉट सूटेबल इन इमरजेंसी। अगर हम ड्रग ले लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि इसके डिफरेंट प्रोसेस से पास होता है, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन। तो इस वजह से इमरजेंसी कंडीशन में ओरल रूट प्रेफर नहीं करते। सेकेंड वन है सब लिंगुअल, प्लेसमेंट ऑफ ड्रग अंडर द टंग। सब लिंगुअल वो मेथड है जिसमें हम ड्रग को टंग मतलब जुबान के नीचे रखते हैं। अगर आप लोग इस डायग्राम में देखें तो ड्रग को टंग के नीचे रखते हैं, तो इस रूट को हम सब लिंगुअल रूट कहते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है ग्लाइसरिल ट्राइनाइट्रेट। ये वो ड्रग है जो चेस्ट पेन में यूज होता है। अगर बंदे को कोई हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हो तो उसमें ग्लाइसरिल ट्राइनाइट्रेट यूज होता है और ये टंग के नीचे रखते हैं। एडवांटेज है रैपिड एब्जॉर्प्शन, लो इंसिडेंट ऑफ इन्फेक्शन। हमें जल्दी जो आउटपुट रिक्वायर्ड होती है, जिसके लिए हम यूज करते हैं, तो वो हमें जल्दी शो हो जाता है। रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है टंग के नीचे अगर हम कोई ड्रग रख दें, और लो इंसिडेंट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इनकन्वीनियंट फॉर फ्रीक्वेंट यूज। अगर हम सबलिंगुअल ड्रग बार बार ले रहे तो इस वजह से हमें इनकन्वीनियंस मतलब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एक पेशेंट को अगर वो रेगुलरली सबलिंगुअल ड्रग जो है वो ले रहे हैं, इरिटेशन ऑब्वियसली, अगर एक ड्रग आप बार बार एक तरीके से ले रहे तो ऑब्वियसली आपको इरिटेशन आएगी, आप लोग को मसले होंगे और इस वजह से बंदे को डिस्कम्फर्ट फील होता है। रिएक्टल रूट, इन दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ रिएक्टम। ये वो तरीका है जिसमें ड्रग जो है वो रिएक्टम के ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाता है। रिएक्टम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है, एंड फ्लो इन टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम वेयर द ड्रग इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यू, द बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स। जो ड्रग एब्जॉर्ब हुआ वो जाके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड में चला जाता है, और फिर ड्रग जो है थ्रू आउट द बॉडी एंड ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको हम रिएक्टल रूट कहते हैं, क्योंकि इसमें रिएक्टम यूज होता है, जिसमें हम ड्रग जो है ब्लड वेसल ऑफ रिएक्टम में एब्जॉर्ब कर देते हैं, और फिर वो जो है ब्लड में चला जाता है, उसके बाद पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसको हम रिएक्टल रूट कहते हैं। फिर हमारे पास आता है पेरेंटल रूट। पेरेंटल और इंजेक्टेबल आर द स्टीराइल सॉल्यूशन और सस्पेंशन ऑफ ड्रग मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी बाय मीन ऑफ एन इंजेक्शन अंडर और थ्रू वन और मोर लेयर ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। पेरेंटल इसको इंजेक्टेबल मेथड भी कहते हैं। जो ये स्टेराइल सॉल्यूशन होता है मतलब जर्म से साफ होता है, बैक्टीरिया से साफ होता है, और इसको हम बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं बाय मींस ऑफ इंजेक्शंस यूज होते हैं, और हम इसको स्किन के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। स्किन यूज होता है बाय मीन ऑफ इंजेक्शंस यूज होते हैं, और ये स्टेराइल सॉल्यूशन होता है।
It is used for the drugs that are poorly absorbed from the GI tract. वो ड्रग्स जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब स्टमक के थ्रू पास नहीं हो सकते, मतलब पास तो हो जाएंगे लेकिन वहाँ पर उनकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है, पुअर एब्जॉर्प्शन उनकी वहाँ पे होती है, तो इस तरह ड्रग्स को हम पेरेंटल रूट से देते हैं। हमारे पास है इंसुलिन, अगर हम इंसुलिन को माउथ से नहीं ले सकते, अगर हम उसको माउथ के थ्रू लेंगे तो वो प्रोटीन है वो स्टमक में चला जाएगा, वहाँ पे एंजाइम्स है तो उसकी डिग्रेडेशन कर देंगे तो वो हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा। इस वजह से हम इंसुलिन को इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट करते हैं बॉडी में, मतलब इंसुलिन के जो इंजेक्शन होते हैं वो स्टेराइल सोल्यूशन जो होते हैं तो हम बॉडी में उसको इंजेक्शन के थ्रू फिर एडमिनिस्टर करते हैं। हमारे पास फर्दर इसके तरीके हैं पेरेंटल रूट के, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस। ये डायग्राम में भी आप लोगों को दिखाई दिया होगा कि ये इंट्रामस्कुलर है, उसको 90 डिग्री से लगाते हैं, सबक्यूटेनियस अंडर मतलब स्किन में लगाते हैं तो ये 45 डिग्री पे लगाते हैं, इंट्रावेनस 25 में, इनसाइड द वेन्स लगाते हैं, और ये है हमारे पास है इंट्राडर्मल। एडवांटेजेस, ड्रग गेट इनटू द साइट ऑफ एक्शन मोर रिपीडली, पहले भी बताया इंजेक्शंस के थ्रू देते हैं तो इस वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ पर हमें उसकी ज़रूरत होती है तो ड्रग अपने साइट ऑफ एक्शन तक बहुत जल्दी पहुँच जाता है। डोज कैन बी मोर एक्यूरेटली डिलीवर्ड, और डोज जो है उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इंसुलिन के एग्जाम्पल ले लें तो वो हमें पता होता है कि हम इतना डोज लगा रहे हैं तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव मेथड है, बहुत ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये जो है ना स्टेराइल मेथड है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड हो गया। लोकल इरिटेशन में अकर एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, अगर आप एक जगह पे वो इंजेक्शन लगा रहे अगर आप लोग हाथों पे इंजेक्शन लगा रहे तो ऑब्वियसली वहाँ पे ब्लूइश कलरेशन हो जाती है, इंसान को इरिटेशन फिर हो जाते हैं, मतलब वो जो है ना मतलब जख्म हो जाते हैं, तो इसकी ये डिसएडवांटेज हो सकती है। ओरल इनहेलेशन, दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज फॉर द ड्रग दैट आर गैसेस एंड दोस दैट कैन बी डिस्पर्स इन एरोसोल्स। ये वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें ड्रग मतलब जो ड्रग गैसेस के फॉर्म में होते हैं और या एरोसोल में हम उसको डिस्पर्स करते हैं। एग्जाम्पल है ब्रोंकोडायलेटर्स, मतलब आप लोग वो देखिए जो टीबी के मरीज होते हैं उनके पास जो पम्प्स होते हैं तो वो बेस्ट एग्जाम्पल है ओरल इनहेलेशन के, क्योंकि उसमें जो ड्रग है वो उसमें डिस्पर्स होता है, उस पम्प में होता है और टीबी के मरीज उसको फिर यूज करते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे आपको ब्रोंकोडायलेटर्स दी है, डिफरेंट डायलेटर्स यूज होते हैं और ये एग्जाम्पल है ओरल इनहेलेशन की। इंट्रानेजल, This route involves administration of drug directly into the nose. ये वो तरीका है जिसमें हम ड्रग जो है डायरेक्टली नोज में एडमिनिस्टर करते हैं। एग्जाम्पल है ऑक्सीमेथाजोलिन, ये जो है अगर नोज स्टिफनेस हो जाए, मतलब अगर किसी के नोज जो है वो बंद हो किसी एलर्जी की वजह से या किसी और प्रॉब्लम्स की वजह से, तो इसमें फिर हम इंट्रा नेजल यूज करते हैं और इसकी एग्जांपल भी मैं यहाँ पे मैंने दी है ऑक्सीमेथाजोलिन जो नोज स्टिफनेस में यूज होती है। ट्रांसडर्मल, दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अचीव सिस्टमेटिक इफेक्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ ड्रग इनटू द स्किन यूजुअली वाई अ ट्रांसडर्मल पेज। ये वो तरीका है जिसके में स्किन के थ्रू ब्लड तक पहुंचता है, ड्रग जो है वो स्किन के थ्रू ब्लड तक पहुंच जाता है। और किस तरीके से क्या यूज होता है, ट्रांसडर्मल पेच, पेच एक छोटा सा टुकड़ा होता है उसको हम स्किन पे लगाते हैं और इसके थ्रू पे ड्रग सारे बॉडी में पहुंच जाता है। दिस रूट इज ऑफन यूज फॉर द सस्टेन डिलीवरी ऑफ ड्रग सच इज एंटी एंजाइनल ड्रग नाइट्रोग्लाइसरीन। सस्टेन डिलीवरी ऑफ ड्रग के लिए यूज होता है क्योंकि स्किन के थ्रू वो ड्रग जो है ब्लड तक पहुंच जाता है, ब्लड तक पहुंचता है और वो पैच जो है हमारी स्किन पर लगा रहता है।
एंटी एंजाइनल ड्रग नाइट्रोग्लाइसरीन है। अगर किसी को चेस्ट पेन है, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा है, तो इसमें हम ये ड्रग यूज़ करते हैं नाइट्रोग्लाइसरीन। इसकी ट्रांसडर्मल पेच बनाते हैं और इसको स्किन पे लगाते हैं, तो वो सारी बॉडी पे वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो सस्टेन रिलीज उसकी होती है। तो इस वजह से बहुत अच्छा इफेक्ट पर होता है इस रूट का। थैंक यू सो मच। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया और हम इसके बाद थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।